गुरु तस्वीरों में देख रहे हो, एक आदमी बैठा है और महिला मालिश कर रही है। दिमाग में तो आ रहा होगा पहलवान है, लेकिन गलत सोच रहे हो गुरु, गलत। ये मान्यवर हैं थानेदार और मान मर्यादाओं पर कर रहे हैं प्रहार। गुरु हरकत देखो इनकी, इनकी फोन पर बतिया रहे हैं, महिला मालिश कर रही है, मतलब शर्म लिहास्त बेच रखी है। बेशर्मी की हद पार हो गई गुरु। दरअसल ये तस्वीरें बिहार के सहरसा के नौहट्टा थाने की बताई जा रही हैं, जहां एक महिला अपने बेटे की जमानत के लिए पहुंची तो वहीं थानेदार ने मौके का फ़ायदा उठाना उचित समझा। दरअसल रेप के आरोपी को छुड़वाने के लिए उसकी मां थाने पहुंची तो थानेदार ने प्रस्ताव रखा कि मालिश करो। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पुलिस जहां रिश्वत लेती है तो वहीं बिहार पुलिस तो बहुत आगे निकल चुकी है गुरु। मालिश मसाज से ही काम चला लेती है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दो महिलाएं हैं, एक बराबर में बैठी है तो दूसरी मालिश कर रही है और पास में थानेदार की वर्दी भी पड़ी है। थानेदार एक वकील से बात कर रहा है, छुड़वा तो जनाब, 1000 तो मेरे ही ख़त्म हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा ये थानेदार है या दलाल। फिलहाल वही मौजूद किसी ने वीडियो बना ली और थानेदार की मुश्किलें बढ़ गईं। आनंद बानंद में SP ने थानेदार को निलंबित कर दिया और जाँच क्षेत्र अधिकारी को सौंप दी। फिलहाल ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं गुरु। थाने में ही महिला सुरक्षित नहीं तो कौन और कब कहां उनका सुरक्षा का जिम्मा लिया जाएगा। फिलहाल शर्मसार कर देने वाली हरकत जब सामने आई तो थानेदार पर कार्रवाई की गई, लेकिन ये वीडियो अगर सामने ना आती तो ना जाने ये थानेदार कितनी महिलाओं को अपना शिकार बना लेता। फिलहाल ऐसे थानेदार पर कार्यवाही कम हुई है, सिर्फ निलंबित किया गया है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन क्या करें गुरु, ये थानेदार तो कानून तोड़ सकता है, लेकिन इसके कानून तोड़ने वाली हरकतों पर कार्यवाही कानून तोड़कर नहीं की जा सकती। सुनिए क्या कुछ कहा है पूरे मामले पर SP ने। सर, एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया, सत्यता की जांच करने के लिए SPCO सदर को भेजा गया और ये मामला संज्ञान में आया कि शशि भूषण सिन्हा जो वहाँ पर पदस्थापित थे, एक रेप केस हुआ था 16-22 डरहारोपी में, उसका जो प्राइमरी अक्यूज है उसकी मदर के कहने पे एक वकील से 10,000 में बेल लेने की बात कर रहे हैं। साथ में जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं या जो उनका आचरण है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है या जो भी वो करवा रहे हैं, वो एक कंप्लीट अनुशासनहीनता उद्दंडता का की पर को परिभाषित करता है, तथा एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी का जो आचरण होता है वो इसके एकदम विपरीत है। मामले पर संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस केंद्र सहरसा में अविलंब योगदान देने के लिए कहा गया है, तथा डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की गई है।